हेलो गाइस, हाय, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और सुपर डुपर लूपर वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं चैट जीपीटी का कंटेंट एज इट इज गूगल में यूज करेंगे एंड दैट टू वो रैंक करेगा और इस रैंकिंग से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और ये ट्रैफिक आपको हेल्प करेगा एडसेंस को अप्रूव कराने के लिए। अब आप बोलोगे चैट जीपीटी का जो कॉन्टेंट है ये तो AI कॉन्टेंट है और AI कॉन्टेंट जो है वो गूगल पे बैन है। बैन मतलब AI कंटेंट गूगल पे रैंक नहीं होते हैं। 100% सत्य वचन है, आप AI के कंटेंट को गूगल पे रैंक नहीं करा सकते। तो अब आप बोलोगे कि मैं कैसे कह रहा हूं, ये कौन सा तरीका है फिर चैट जीपीटी का कंटेंट जो है वो मैं गूगल पे रैंक करा सकता हूं। चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं जल्दी से आपको वो प्रैक्टिकल तरीका बता देता हूं जिसके अंदर हम ये चीज लाइव अभी 100% प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा। दोस्त सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, मैं आज सारी चीजें आपको 100% फ्री में कराना सिखाऊंगा, आपको किसी तरीके से कोई भी टूल को परचेज नहीं करना है। इनफैक्ट आपको चैट जीपीटी से बाहर ही नहीं निकलना, आपको पूरा कंटेंट मैं यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मान लेते हैं अभी एक टॉपिक का मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड लिख देता हूँ जिससे मुझे टॉपिक चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है दोस्त की हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब मैं इसका एक आंसर देख लेता हूँ फटाफट से चैट जीपीटी मुझे क्या लिख के देगा एंड लेट वेट फॉर इट। तो गाइस इसने लिखना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक मतलब जो मेरा ब्लॉग होगा वो यही है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब आपको पता क्या करना है, अब इसमें आपको ऑप्शन मिल गए कि कौन से तरीके हैं जिससे ऑनलाइन अर्न किया जा सकता है। नाउ आपको सिर्फ इसको अगेन एक प्रॉम्प्ट देना है। अब मैंने चैट जीपीटी को लिखा है राइट अ ब्लॉग आर्टिकल अबाउट इट इन 1000 वर्ड्स, मतलब इस पे मुझे 1000 वर्ड का ब्लॉग आर्टिकल लिख के दे। एंटर करते ही इसने मुझे ब्लॉग आर्टिकल देना शुरू कर दिया। अब आप बोलोगे क्या इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, अरे बिल्कुल नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करना होता तो दुनिया में 1,00,000 से ज्यादा वीडियो कॉन्टेंट बना हुआ है यूट्यूब के अंदर जो की यही बताते हैं। गाइस एक चीज का ध्यान रखना की चैट जीपीटी की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन पता क्या है कि वो 30 सेकंड तक लिखता जाएगा और 30 सेकंड के बाद वो बंद कर देगा लिखना। अब ये 30 सेकंड तक लिखता गया और वही खत्म कर दिया जहां पर 30 सेकंड ऑफ हो गया है, ये नहीं है कि इसने कंप्लीट किया। तो आप इसको एक और प्रॉम्प्ट दोगे जिसमें आप लिखोगे कंटिन्यू, क्यों, ताकि इसके बाद 30% दोबारा हो जाए और आपको ये पूरा आर्टिकल दे दे लाइक दिस। तो यानी आपको ये बिलीव नहीं करना है कि अगर इसने रोक दिया तो वो कंप्लीट हो गया, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिनको चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल नहीं पता है। तो अब यहां से ये कंटिन्यू कर रहा है, तो जितना भी वर्ड उसने ऊपर लिखा है उतना और वर्ड 30 सेकंड तक ये लिखता जाएगा और फिर मुझे एक प्रॉपर आर्टिकल मिलने की चांसेस है इसी में। अगर नहीं है तो मैं दोबारा कंटिन्यू लिखूंगा और जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा मैं उसे कंटिन्यूएशन करवाता रहूंगा। आपको पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस फाइनली इसने यहाँ पर लिख के दे दिया, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मेरे सेकंड प्रॉम्प्ट में ही इसने पूरा खत्म कर दिया लाइक दिस। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करो कि इसने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया, मतलब इसने एक तो सारे के सारे 7 जो मेरे आइटम्स थे जो कि ऑनलाइन अर्निंग के थे वो कंप्लीट करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, मेरा कंक्लूजन दे दिया। और कंक्लूजन के अंदर आप देख पा रहे हो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं सेटिस्फाई हो गया कि मेरा जो आर्टिकल है वो खत्म हो गया। तो अब मेरे पास 1000 वर्ड का आर्टिकल है जो कि बहुत डिटेल में लिखा गया, लेकिन एज अ कंटेंट तो ये जबरदस्त है क्योंकि इसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से डिटेल में समझाया गया है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया है और हर एक पॉइंट को इसने ब्लॉग में आप देख रहे हो इसने लिखना स्टार्ट किया। इनफैक्ट आपका इंट्रो तक इसने बढ़िया से लिखा है, उसके बाद फ्रीलांसिंग के बारे में मेंशन किया है, ऑनलाइन सर्विस के बारे में डिटेल में मेंशन किया है। पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना। लेकिन अब जो कहानी आती है, क्या मैं इस पूरे कंटेंट को एज इट इज पेस्ट करूंगा, वो भी नहीं करूंगा। अगर करना होता तो ये सबसे आसान काम था, लेकिन मैं आपको इसको चर्न करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, चर्न करना। अब इस कंटेंट को ही हम एज इट इज पेस्ट करेंगे, लेकिन वो कैच आप जल्दी से देख लो कि वो क्या होने वाला है, कि आप इसी कंटेंट को यूज भी कर लोगे और ना AI पेनल्टी आएगी और ना ही प्लेजरिज्म पेनल्टी आएगा। कैसे गाइस, अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा और इस प्रॉम्प्ट में मैं इसको बोलूंगा कन्वर्ट दिस ब्लॉग इन इजी, मैंने क्या लिखा गाइस, कन्वर्ट दिस ब्लॉग इन इजी हिंग्लिश लैंग्वेज। हिंग्लिश मतलब कि ये कंटेंट ना इसका प्रोनाउंसिएशन तो हिंदी में हो लेकिन ये लिखा इंग्लिश में जाए और साथ में वर्ड जोड़ दिया इजी। नाउ अब आप एंटर कर लो और अब आप बैठ जाओ एंड नाउ यू विल सी द मैजिक। अब मैजिक आप देखो कि क्या हो रहा है, ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सभी तरीके आपको घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का मौका देते हैं। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 7 तरीके आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया गया, आपको इंग्लिश में लिख रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी है, यानी अब आपके पास ऑडियंस बहुत बड़ी हो गई। कौन सी ऑडियंस, जिनको इंग्लिश
इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन इंग्लिश समझना नहीं आता। अब इंग्लिश पढ़ के वो हिंदी मीनिंग को समझ रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। और इस टाइप के जो कॉन्टेंट है वो आसानी से रैंक भी करते हैं और मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पर चीज समझने की कोशिश करो, इसने इंग्लिश में लिखा है ना, ये सारा ऑनलाइन पैसा कमाना ये तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन साथ में ये हेल्पफुल वर्ड को यूज कर रहा है जो कि प्योर इंग्लिश वर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में ये लिखते हुए जा रहा है लेकिन जहां जहां वर्ड अब हेल्पफुल को सहायता इसने नहीं किया, सहायता कर सकता है, वो क्या होता है प्योर आर्टिफिशियल लैंग्वेज में आ जाता है। क्योंकि सहायता वर्ड आप जब भी हेल्पफुल को गूगल ट्रांसलेट में जाओगे ना वो सहायता लिखेगा, तो यानी इस टाइप के जो वर्ड है ना सहायता प्रमाण ये गूगल को पता लग जाएगा भाई ये तो कन्वर्टेड है, ये तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा गया। लेकिन इसने आपको जो कॉन्टेंट दिया है ना प्योर ऐसा दिया है कि एक इंसान एक नॉर्मल लिखने वाला अगर इंग्लिश में लिख रहा है तो वो कुछ वर्ड को इंग्लिश में ही रख रहा है, कुछ वर्ड हिंदी में रख रहा है। अब देखो ऑनलाइन, इसको इसने ऑनलाइन का हिंदी कन्वर्ट नहीं किया, ऑनलाइन को हिंदी में कन्वर्ट कर देता तो वो बहुत रोबोटिक लगता, तो इसने ऑनलाइन को ऑनलाइन रखा, पैसे हिंदी में लिखा है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्लाइंट्स इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, और देखो स्किल्स को भी नहीं किया, और देखो 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 राइटिंग को नहीं किया, ग्राफिक डिजाइनिंग को नहीं किया। ये सारे गूगल में ना इतने बेकार तरीके से ट्रांसलेट होते हैं लेकिन इसने इस चीज का ध्यान रखा है, इंग्लिश में लिखा है। और देखो फ्रीलांसर को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, कोर्सेज को इसने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, इसने ट्यूटोरियल्स को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको मैंने कमांड दिया है इजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के दे। गाइस अब ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप धड़ल्ले से अपने गूगल रैंकिंग के लिए कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू क्यों, क्योंकि चलो प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। मैं इसको आपके सामने कॉपी करता हूँ और इसको फिर करता हूँ पेस्ट लाइक दिस, देन कॉपी। अब आते हैं एआई डिटेक्शन पे गाइस, पेस्ट आपके आंखों के सामने पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ह्यूमन कंटेंट स्कोर जितना जीरो के पास रहेगा उतना मतलब एआई से लिखवाया गया, जितना 100 के पास रहेगा उतना इसको ह्यूमन ने लिखा है। एम आई क्लियर नाउ? तो अब चेक फॉर एआई कंटेंट, वेट करते हैं प्रेडिक्टिंग गाइस, हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन। यो करो पेस्ट गाइस, 100% ह्यूमन ने लिखा है, इसने कह दिया है हाईली लाइकली, इंसानों ने लिखा है इस कंटेंट को। क्या मैंने आपको कहा कि आप चैट जीपीटी का कंटेंट लो, इसको कहीं और टूल पे जाओ, वहां पर पैराफ्रेज करो, कुछ करो? मैंने चैट जीपीटी के अंदर ही प्रॉम्प्ट सीख लिया है, मैंने सीख लिया है कि एआई से कैसे काम कराना होता है। और मैं आज आपको फ्री में अपने रिसर्च का हिस्सा, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हूं कि मैं इसको अपने लिए कर सकता था, मैंने आपको वीडियो दिया था। अब गाइस आप इस कंटेंट को सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि ये ह्यूमन स्कोर है। अब जल्दी से मैं आपको इसका प्लेजरिज्म दिखा देता हूं, क्योंकि दो चीज होनी बहुत जरूरी है रैंकिंग के लिए, एक एआई डिटेक्शन और एक प्लेजरिज्म। एंटर करते हैं, अब मैं इसको प्लेजरिज्म चेक कराता हूं। अच्छा एक चीज बता दूं, जो लोग आपको प्लेजरिज्म ना फ्री वाले टूल्स में इस्तेमाल करके दिखाते हैं, फ्री वाले टूल्स कौन से होते हैं, स्मॉल एसईओ टूल्स हो गया या वगैरह वगैरह, गाइस उनका प्लेजरिज्म ना के बराबर होता है, कभी भी बिलीव मत करना। ये क्यूटेक्स प्रीमियम टूल है लेकिन ये फ्री में भी आपको एक बार दिन का प्लेजरिज्म चेक करने का ऑप्शन देता है, मैं वही करके दिखा रहा हूं आपको। इसका जो भी डेटाबेस होता है बिल्कुल लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट मतलब इसी हफ्ते का होता है कि इस हफ्ते तक किसने कोई कंटेंट लिख दिया पूरे इंटरनेट पे, तो इसके पास वो डेटा होता है, उससे मैच करता है आपका डेटा और फिर बताता है कि कितना प्लेजरिज्म है। तो गाइस नाउ ये पूरा कंटेंट मात्र 16% का प्लेजरिज्म है, और वो भी इसलिए है, मैं आपको पहले बता दूं, ये 16% भी नहीं होगा अगर आप यूनिक टॉपिक पे लिखोगे, ऑनलाइन अर्निंग पे तो ऑलरेडी हजारों लोगों ने इंग्लिश में खासकर अपना कंटेंट जरूर लिखा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लेजरिज्म कैसे चेक करना होता है। देखो इतने सारे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने मनी मेकिंग ऑनलाइन पे बहुत सारा आर्टिकल लिखा है, इतने सारे, यानी अब क्या हुआ यहां पर देखो, ये जो लाइन है ये 100% मैच कर दिए। देखो ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तो बहुत कॉमन लाइन है, इतना फ्रेज खाली अगर कॉमन होना इज नॉट प्लेजरिज्म। अब इस लाइन को देखो, क्योंकि जो जनरल लाइन्स हैं इस दुनिया में वो कभी प्लेजरिज्म का पार्ट नहीं होती, लाइक सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये लाइन क्या कभी प्लेजरिज्म हो सकती है? नहीं, इस दुनिया के हर आदमी या जो भी इस लाइन को लेना चाहता है वो यूज कर सकता है, गूगल को पता है, तो इसलिए इन लाइन्स को कभी प्लेजरिज्म नहीं माना जाता। तो इस तरीके से गाइस आपको ये पूरा कंटेंट जो है ना ऑलमोस्ट ये प्लेजरिज्म फ्री भी मान सकते हो और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर।